दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए कुछ बजट जारी किया गया है, उससे संबंधित दो आदेश मुझे प्राप्त हुए हैं। दोनों ही आदेश के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आदेश के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आदेश की कॉपी दिख रही होगी। इस तरह की कई कॉपियां हैं, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन आदेशों की कॉपी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पूरा मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पूरे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया गया है। स्टाफ अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ, समस्त जिला कमांडेंट आहरण एवं वितरण अधिकारी होमगार्ड उत्तर प्रदेश। विषय दिया है, सामान्य अधिष्ठान की मानक मदों में धनराशि का आवंटन। दोस्तों, जो होमगार्ड सामान्य अधिष्ठानों में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बजट जारी किया गया है। ये आदेश है 17 नवंबर 2020 का। नीचे की तरफ इन्होंने लिख दिया है क्लियर कि किस तरीके से इस आवंटन को आपको खर्च करना है, किस तरीके से नियम व कानून है, पूरे डिटेल से इन्होंने लिख दिया है, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी कुछ कॉपियां। इनको मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दी है। तो यहाँ पर अब आपको कॉपी दिख रही होगी बिल्कुल क्लियर तरीके से। ये है इसकी पहली कॉपी, इसमें जिलों के नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे सहारनपुर जिला कमांडेंट होमगार्ड वर्तमान और प्रगामी। इस तरीके से मजदूरी लिख दी गई है। अगले कॉलम में मानदेय लिख दिया गया है, फिर कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मा की छपाई के लिए जो पैसा चाहिए, गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के लिए, किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के लिए, अनुरक्षण अन्य व्यय योग। इस तरीके से जितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है पूरे डिटेल से लिख दिया गया है। जो सामान्य अधिष्ठानों में होमगार्ड भाई हमारे ड्यूटी करते हैं, उनके मानदेय का भी पैसा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये रही दोस्तों अगली कॉपी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर देखिए आपके जिले का नाम है या फिर नहीं। इसी तरीके से अगली कॉपी भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये रही अगली कॉपी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में डिटेल से देख लीजिएगा। इसी तरीके से और भी कॉपियां हैं, उनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है अगली कॉपी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और बाद में डिटेल से देखिएगा, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ये सभी कॉपियां ले सकते हैं। एक और है, ये रही अगली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आखिरी है पहले वाले आदेश की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए आपके जिले का नाम यहां पर है या फिर नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले आदेश के बारे में जानते हैं। अगला एक आदेश और मुझे प्राप्त हुआ है, आपको स्क्रीन पर उस आदेश की कॉपी दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम करके, इसमें क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ, दिनांक दी है 17 नवंबर 2020, प्रेषित किया गया स्टाफ अधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ, समस्त जिला कमांडेंट आहरण एवं वितरण अधिकारी होमगार्ड उत्तर प्रदेश। विषय दिया है, भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाले व्यय का मानक मद में धनराशि का आवंटन। आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पर पैसा जारी किया गया है। बहुत सारी आंशिक प्रतिपूर्ति होती है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। दिखा देता हूँ मैं इसकी अगली, नीचे की तरफ दी है अगली कॉपी। ये आपको रोटेट करके मैं दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके से दी है, और इसको कर देता हूँ जूम आउट ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ मैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये है इसकी पहली कॉपी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अगली जो कॉपी है वो भी दिखा देता हूँ। ये रही अगली कॉपी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगली कॉपी दिखाते हैं। अगली कॉपी दोस्तों ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगली जो कॉपी है वो ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली कॉपी ये है, थोड़ा सा रोटेट की है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम करके देख लीजिएगा। अगला जो दिया हुआ है कॉपी वो ये है, सबसे आखिरी कॉपी। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, किन किन व्ययों के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। सबसे पहले अधिकारी का नाम, कार्यालय व्यय, विद्युत दे, जलकर या जल प्रभार, कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के लिए पैसा जो आया है, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, छात्रवृत्ति और छात्र वेतन, अन्य व्यय, प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक व्यय, वृद्धि व्यय। इस तरीके से सभी व्यय के बारे में डिटेल से लिख दिया गया है, किस किस के लिए पैसा भेजा गया है, पूरे डिटेल से इन्होंने लिख दिया है। सभी जिलों के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपके जिले में कितना पैसा आया पूरे डिटेल से यहाँ पर लिख दिया गया है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ट्विटर चलाना सीख
नजदीक जाइए। मैंने उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस वीडियो के माध्यम से आप ट्विटर चलाना सीख सकते हैं। और 6 दिसंबर आने वाली है, तो जल्दी से भारत सरकार को टैग कीजिए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को टैग कीजिए और ट्विटर पर अपना हक मांगिए, क्योंकि ये सही मौका है। 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस है, उसके मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परेड की सलामी लेंगे। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि वो आपको नियमित कर दें, जिससे कि आपके शोषण को रोका जा सके। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाले हैं और कौन सी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं। और आगे जरूर लिखिएगा UPHG या फिर उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।